हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका राजस्थानी कॉलेज की तरफ से आपके लिए पोस्ट रिलीज़ की गई है, तो कहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या पोस्ट के नेम है, क्या एलिजिबिलिटी होंगी इसकी, क्या एज लिमिट होंगी, क्या क्वालिफिकेशन होंगे, तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, राजस्थानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मैं ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, टोटल वे कितने हैं वो वैकेंसीज़ वो दी गई हैं, यहाँ पे लिमिट कितनी होनी चाहिए वो दी गई हैं, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन भी दिया गया है, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, वन है। यहाँ पर अपर एज लिमिट 35 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी एज लिमिट, और यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन भी दिया गया है, क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55 से ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए उसमें, या बी ग्रेड होना चाहिए, यूजीसी का 7 पॉइंट स्किल्स होने चाहिए। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और भी दिए गए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 3 ईयर्स का, LLB या फिर MBA होना चाहिए आपके पास, या फिर MCA होना चाहिए, या MPhil होना चाहिए, या फिर PhD होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए पे लेवल 10 है, और यहाँ पे आपको ऐसे ही दिया जाता है, ऐसे ही दिया गया सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 7 का, तो इसका भी टोटल कितना है, 1 है, UR में 1 है, तो 35 ईयर्स इसका भी है। यहाँ पे आपको इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए इसमें, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको प्राइवेट सेक्टर में, या फिर पर्सनल असिस्टेंट में, या फिर स्टेनोग्राफर में, या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, तो आपको इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 10 मिनट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 UPM, और यहाँ आपको 14 मिनट्स का होना चाहिए हिंदी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपके पास, आप और डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, किसी का भी इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसे ही आपको यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट का मिल जाता है, असिस्टेंट मिल जाता है, जूनियर असिस्टेंट का मिल जाता है, सीनियर टेक्नीशियल असिस्टेंट का मिल जाता है। आपको यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नोटिस में बताया गया है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अगर आपको इस पर इसके लिए अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी कितने लगेंगे, 500 रुपीज़ लगेंगे आपको एप्लीकेशन फ़ी, UR, OBC हो या फिर AWS वालों के लिए है, और यहाँ पे 200 रुपीज़ SC ST वालों के लिए हैं। तो अगर आप वुमेन हैं या PWBD हैं तो आपका कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आई हुई है, तो आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर कंपाइशन होगा, यहाँ पे MCQ आपका MCQ में क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपका टू आवर्स का टाइम होगा आपके पास, 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में भी 2 आवर्स का मतलब 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास, 150 क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे, 450 मार्क्स टोटल हैं इसमें आपको। और यहाँ पे आपको कंपनसेशन में भी मिल जाता है, पेपर फर्स्ट में टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज़ होंगी, और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का होगा 30 मार्क्स, 300 मार्क्स का पूरा टोटल रहेगा यहाँ पे आपको, इसमें भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं सब सिलेबस दिए गए हैं आपको, तो आप देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम, मदर नेम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो भी डेट देंगे, एजन, लास्ट डेट रिसीविंग एप्लीकेशन का डेट लिखना है आपको, मैरिड है या सिंगल है, यहाँ पे जेंडर आपको कैटेगरी कौन सी है वो फिल कर लेनी है, यहाँ पे
OBC हैं, ST SC हैं, जो भी हैं उसको फिल कर लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस ये दिए गए हैं वो फिल कर लेना है, स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सी है, परमानेंट एड्रेस आपको फिल कर लेना है स्टेट यहाँ पे, फिर कंट्री, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कौन सी बोर्ड से था, कौन सी यूनिवर्सिटी से था वो, यहाँ पे टेक्निशियल क्वालिफिकेशन आपको कंप्यूटर नॉलेज का यहाँ पे फिल कर लेना है, टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में या हिंदी में जो भी है उसको फिल कर लेना है, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क एक्सपीरियंस है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में आपने वर्क किया था वो वहाँ पर फिल कर लेना है, एनी अदर इंफॉर्मेशन आप देना चाहते तो वो यहाँ पे आपको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे टू रेफरेंस डिटेल्स ऑफ टू रेफरेंस, तो आपका अपना नाम दे, एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी देना, वहाँ पे आपको अपना कुछ क्या कहते हैं एजुकेशन या टेक्नीशियन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, सर्टिफिकेट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने होंगे, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, फ़ोटो अपना, सिग्नेचर अपना, और यहाँ पे आप तो क्या कहते हैं यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो UR OBC AW वालों के लिए 500 और SC ST वालों के लिए 200 रुपीज़। आपका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ऐसे आपको सब कुछ अपलोड कर लेना है, एडमिट सबमिट पे क्लिक कर लेना है, तो आपका इसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।